हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से अपने लिए एक टीवी परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक टीवी को ऑर्डर करने से लेकर के डिलीवरी और इंस्टॉलेशन तक आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ में कोई भी फ्रॉड या आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही आपको जो टीवी के साथ में सर्विसेज हैं वो सर्विसेज आपको पूरी देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों टीवी एक काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट होता है और इसमें ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी के दौरान काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनसे बचने के लिए आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आने वाली नई नई सेल, डील एंड डिस्काउंट के बारे में जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहले दोस्तों, जब आप टीवी ऑर्डर करने जाते हैं तो आपको अपने लिए एक परफेक्ट साइज का टीवी ऑर्डर करना होता है, जैसा कि आपके हॉल या आपके बेडरूम के हिसाब से परफेक्ट हो। तो इसके ऊपर मैंने दोस्तों एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपके लिए कौन से साइज का और कौन से रेजोल्यूशन वाला टीवी सबसे परफेक्ट रहेगा, आपके हॉल या रूम में आपके और आपके टीवी के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उसके लिए कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, आपने अपने लिए परफेक्ट टीवी सिलेक्ट कर लिया, आपने टीवी ऑर्डर भी कर दिया, अब उसके बाद में जब आता है डिलीवरी का टाइम तो यहां पर आपको काफी सारी चीजें ध्यान रखना होती है, क्योंकि दोस्तों टीवी एक बड़ा अप्लायंसेस होता है तो यहां पर टीवी जैसे बड़े अप्लायंसेस को एक मिनी ट्रक के द्वारा यहां पर डिलीवर किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने टीवी का प्रीपेड पेमेंट किया है तो आपके पास में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डिलीवरी बॉय को देना पड़ेगा, और अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है तो कैश देकर के आप वो टीवी लेंगे। तो कैश या ओटीपी दोनों देने से पहले आपका जो टीवी का बॉक्स है आपको उसे अच्छी तरीके से चेक करना है, उसके ऊपर जो भी टेप दी गई है वो उसको चेक करना है, वो प्रॉपर सील्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टेप को ओपन करके वापस से लगाया गया है या इसके ऊपर डबल टेप लगाई गई है। ये चीज़ों को आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके टीवी के पैकेट के साथ में कोई भी छेड़छाड़ ना की गई हो, उसको ओपन करके वापस से सील्ड करने की कोशिश ना की गई हो, ऐसे में दोस्तों आपके साथ में फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप पूरी तरह से इंश्योर हो जाएं कि हाँ टीवी की जो प्रॉपर पैकिंग है वो बिल्कुल जो कंपनी से आती है वैसी ही है, तब जाकर के आपको टीवी को रिसीव करना है। अब यहाँ पर दोस्तों, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप टीवी परचेस करते हैं तो यहाँ पर उनके मेन्यू में लिखा होता है कि डिलीवरी बॉय ही आप जहाँ पर टीवी को रखवाना चाहेंगे वो वहाँ पर रखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपको जिस रूम में जिस जगह टीवी को रखवाना है आप डिलीवरी बॉय को बोलिए, वो टीवी को वहाँ पर रख देगा, उसके बाद में आपको बॉक्स को ओपन नहीं करना है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो भी टीवी आप ऑर्डर करते हैं उनके 99% टीवीज के साथ में, या ऑलमोस्ट बता दूं कि 100% टीवी के में फ्री इंस्टॉलेशन या पेड इंस्टॉलेशन आता है, यानी कि इंस्टॉलेशन टीम अलग से आएगी। टीवी को डिलीवर होने के बाद में आपको एक इंस्टॉलेशन बुक करना पड़ेगा, उसके बाद में इंस्टॉलेशन टीम आपके घर पे आएगी और वो ही बॉक्स को ओपन करेंगे। यहां पर अगर आपने पहले बॉक्स को ओपन कर दिया ये खाली देखने के लिए कि टीवी कैसा है मैं एक बार चेक कर लूं, तो यहां पर दोस्तों आपके टीवी की वारंटी अवॉइड हो सकती है और ये दोस्तों काफी सारे लोगों के साथ में हो भी चुका है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बॉक्स को आपको ओपन नहीं करना है, बॉक्स को इंस्टॉलेशन टीम के बंदे ही ओपन करेंगे, वो ही आपके टीवी को अच्छी तरीके से चेक करेंगे और वॉल पर इंस्टॉल करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको एक काम करना है कि जब इंस्टॉलेशन टीम वाला बंदा आपके टीवी के बॉक्स को ओपन कर रहा है तो उसके साथ साथ आपको भी एक वीडियो वहां पर रिकॉर्ड कर लेना है, छोटी सी क्लिप कि हाँ जो टीवी आपके बॉक्स से निकला है वो अच्छी तरीके से निकला है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए आप वो वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो भी आपके पास में एक एक्स्ट्रा सबूत होना चाहिए उसका कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे टीवी के अंदर थी। अगर इंस्टॉलेशन टीम ही बॉक्स को ओपन करती है और टीवी के अंदर कोई प्रॉब्लम निकलती है, जैसे कि कोई फिजिकल डैमेज है, स्क्रीन वगैरह नहीं वर्क कर रहा है, सॉफ्टवेयर इशू है या पावर वगैरह नहीं आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इंस्टॉलेशन टीम ही यहां पर रिपोर्ट करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आपका टीवी रिप्लेस होगा। इसके बाद में दोस्तों, जब आपका टीवी सक्सेसफुली वॉल पर इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद में आपके टीवी को टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस आपका टीवी चालू हो गया यहीं से यह नहीं कंफर्म होता है कि आपका टीवी पूरी तरीके से सही है। यहां पर आपको टीवी के अंदर तीन चीजें चेक करना जरूरी है। सबसे पहले आपको आपके टीवी के सारे पोर्ट्स उनको चेक कर लेना जरूरी है, यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, सभी पोर्ट को आप किसी भी तरीके से चेक कर ले, केबल्स नहीं तो उनका जुगाड़ करें और उनको चेक कर लें। अगर कोई पोर्ट बंद हुआ और आपके टीवी का रिप्लेसमेंट पीरियड निकल गया तो उसके बाद में वारंटी के अंदर उस टीवी को केवल रिपेयर किया जाएगा, यहां पर टीवी को रिप्लेसमेंट नहीं होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जो रिप्लेसमेंट पीरियड है डिलीवरी के बाद में 7 दिन का जो रिप्लेसमेंट पीरियड होता है उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से उस टीवी को सारे पोर्ट्स को चेक कर लेना है। उसके बाद में टीवी की स्क्रीन को चेक करना बहुत ही जरूरी है, उसके अंदर कहीं भी डेड पिक्सल नहीं होना चाहिए। डेड पिक्सल चेक करने के लिए 2 तरीके हैं यहां पर, या तो अपने स्मार्टफोन से अपने टीवी को आप क्रोमकास्ट के थ्रू कनेक्ट कर लें और आपके स्मार्टफोन की पूरी स्क्रीन पर 3-4 कलर के वॉलपेपर जैसे कि व्हाइट, रेड, ब्लू, ब्लैक वगैरह, ये सारे ही यहां पर अच्छी तरीके से फुल स्क्रीन पर चला करके और टीवी को अच्छी तरीके से देखिए, कहीं भी ब्लैक डॉट या जो कलर आपने शो किया है उससे अलग कलर का डॉट वहां पर नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो वो एक डेड पिक्सल है और आपको आपके टीवी को तुरंत रिप्लेस करवाना चाहिए। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल में 16:9 रेशो की ये वॉलपेपर डाउनलोड कर लें और उनको किसी पेनड्राइव वगैरह में डाल करके
करके अपने टीवी में लगा ले और उन वॉलपेपर को टीवी में चला करके अच्छी तरीके से चेक कर ले, वहां पर भी आपको डेड पिक्सल का पता चल जाएगा। तो ये चीज आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई एक भी डेड पिक्सल आपकी टीवी के अंदर है तो धीरे धीरे वो उनकी संख्या बढ़ सकती है, उनके आसपास के पिक्सल को भी वो खराब कर सकते हैं और आपका टीवी बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है। तो ये चीज आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा लास्ट आपको एक चीज और चेक करना जरूरी है, बैकलाइट ब्लीडिंग। बैकलाइट ब्लीडिंग क्या होती है दोस्तों, यहां पर ये फोटो आप देख सकते हैं। अगर आपने एक डार्क यानी कि अंधेरे कमरे में आपके टीवी को ब्लैक कलर के ऊपर चालू किया हुआ है और यहां पर साइड से व्हाइट कलर की लाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो ये दोस्तों एक घटिया क्वालिटी की स्क्रीन को दर्शाता है। यहां पर जो बैकलाइट है वो साइड से लीकेज हो रही है। अगर हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल सा ये दिखाई दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा ही इस तरीके की लाइटिंग अगर आपके टीवी के स्क्रीन के साइड से आ रही है तो यह दोस्तों टीवी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट है या घटिया क्वालिटी की डिस्प्ले को दर्शाता है। तो यहां पर ऐसे में भी आपको आपके टीवी को रिप्लेस करवाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको अपने टीवी को ऑर्डर करने से लेकर डिलीवरी, इंस्टॉलेशन और बाद में चेक करने तक सारी इन चीजों को चेक कर लेंगे तो फिर आपकी टीवी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगी और ऐसे में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रिप्लेस करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।